तो आज हम सीखते हैं कि ऑनलाइन AKU ट्रेनिंग प्रोग्राम किस तरीके से हम अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाके AKU कैरियर लिखना है। जैसे ही हम कैरियर कर जाएंगे तो उसको हम जो है कैरियर को लिंक को ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे ओपन किया आप देखें नीचे यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं, एक ऑनलाइन है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो हमें जो है सबसे जो पहला है वर्क ऑन ईमेल कैरियर को उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे दो ऑप्शन, एक ऑनलाइन एक ईमेल, हमें ईमेल को क्लिक करना है। जैसे हम ईमेल को क्लिक किया तो आप देखेंगे कि नीचे ट्रेनिंग टेक्नोलॉजीज प्रोग्राम का वो आ रहा होगा। हम पाकिस्तान, पहले सबसे पहले हम पाकिस्तान में जाएंगे। पाकिस्तान में जाने के बाद और फिर हम जो है सर्च करेंगे। ठीक है, सर्च करने के बाद यहाँ पर आपने देखो कि नीचे आया होगा ट्रेनिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, हम जैसे ही इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ट्रेनिंग टेक्नोलॉजीज ट्रेनिंग प्रोग्राम 2023 आ गया। ठीक है, आप ये लोग देख लो कि सखर के लिए हैदराबाद, लाड़काना, कोयटा, ठीक है, ये सारे सिटीज़ लिखे हुए हैं, आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये देखने के बाद आप बिल्कुल नीचे आएंगे, हम नीचे चलते हैं, दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन फॉर्म, आपने इसको ऑनलाइन फॉर्म को जैसे ही क्लिक किया, ठीक है, तो आपके पास ये इस तरीके से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। और फॉर्म के अंदर जो है आपको यहाँ पे अपनी डिटेल देनी है, जैसे मैं अपना नाम सरफराज दिया और मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंने लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा और यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ, जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ है हमने उसको लिख लिया। ये डेमो प्रोग्राम है, ये ओरिजिनल मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है, ये डेमो का हमने इसको अपने डेट ऑफ बर्थ दिया। ठीक है, अच्छा मेल और फीमेल है, हमने उसको क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये अब आप एड्रेस है, हमने अपनी एड्रेस यहाँ पे देनी है जो हमारी करंट एड्रेस है। ठीक है, तो आप लोग भी जहाँ जाके ये अपनी पूरी एड्रेस दीजिएगा और परमानेंट एड्रेस भी आपको प्रॉपर देनी है। यह डेमो है इस वजह से यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, आप किस सिटी से हैं अपना सिटी लाजमी लिखिएगा, क्योंकि आपका जो ट्रेनिंग सेशन है वो उसी हिसाब से होगा। ठीक है, आपने प्रोविंस अपना दे दिया कि सिंध से, पंजाब से है, और यहाँ पर अपना आपको मोबाइल नंबर लिख देना है। ठीक है, तो जैसे आप मोबाइल नंबर लिखा उसके बाद होम आएगा, यानी कि आपको अल्टरनेट भी मोबाइल नंबर देना है, अदरवाइज़ अगर आपका नंबर बंद है तो आप इस पर रब्ता कर सकें। ठीक है, तो आपको मोबाइल नंबर पे रब्ता करेंगे। ईमेल एड्रेस जो है वो मस्ट है, क्योंकि आपके पास जो है ईमेल आएगी इंटरव्यू के लिए और रिटन टेस्ट के लिए, तो आप ईमेल एड्रेस देना ना भूलिएगा और प्रॉपर ईमेल एड्रेस दीजिएगा, इसके आगे वरना ये प्रोसेस होगा भी नहीं। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट किया, ओके नहीं आया, कह रहा है कि हमारा जो है NIC जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो हम इसको दोबारा से करेक्ट करेंगे NIC को। ठीक है, तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएगा, जब तक आपको कंप्लीट नहीं होगा तो नेक्स्ट नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट हो गया, अब यहाँ पे हमें अपनी मेट्रिकुलेशन, ठीक है, अपनी एजुकेशन की डिटेल देनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने मैट्रिक दिया कि भाई हमने मैट्रिक साइंस में किया है या किसी और आर्ट्स में किया है, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, मेजर हमारा साइंस है और आपने किस ईयर में आपने किया था आपको वो देना है। उसके बाद इंटरमीडिएट आपने प्री मेडिकल में की थी और क्या उसका आपका जो मेजर सब्जेक्ट था उसके अंदर आपको वो मेंशन करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बायोलॉजी मेंशन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने पासिंग ऑफ ईयर लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया अपना बैचलर्स लिख दिया कि हमने बैचलर्स किस चीज़ में किया हुआ है, तो मैंने फिजियोलॉजी में किया हुआ है, तो मैंने फिजियोलॉजी इसमें लिख दिया। और यूनिवर्सिटी कौन सी थी, और तो यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी आप वही लिखिएगा। ठीक है, मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध थी, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध को इसके अंदर एड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये डेमो है, ये मेरा प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो डिसिप्लिन आपका क्या था, वो आपने यहाँ पे जो है आपका मेजर क्या था उसके अंदर, तो मेरा फिजियोलॉजी था, तो मैं उसके अंदर फिजियोलॉजी ही लिखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पासिंग ईयर क्या था और डिग्री अगर आपकी CGPA क्या थी, तो ये चीज़ें आपको जो है ना प्रॉपर ही लिखनी है, ताकि क्योंकि ये लोग प्रूफ मांगते हैं, कोई भी ऐसी फेक चीज़ें यहाँ पर नहीं दीजिएगा ताकि आपको बाद में प्रूफ देना में फंस जाओ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डिग्री लिख दिया, अवार्डेड डिग्री, आपको कब अवार्डेड डिग्री रिसीव हुई, आपको वही प्रॉपर जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट में लिखी हुई है आपको वही देनी है। ठीक है, उसके अलावा ऐसी कोई भी रैंडमली नहीं लिखिएगा, क्योंकि आपसे ये लोग प्रूफ मांगते हैं। ठीक है, यहाँ पे
अब अपलोड करने होता है, अभी नहीं कर रहे हैं। आपको मास्टर्स किया हुआ है तो अपनी यहाँ पे डेटा लाजमी दीजिएगा, ज़रूरत नहीं है अगर आप इसके अंदर दे दें तो। सबसे बड़ा बता दूँ, अगर आपको बैचलर है तो आप मास्टर्स और एमफिल वगैरह नहीं दें। अगर आपका 4 ईयर बैचलर्स है तो आगे नहीं दीजिएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट ही बैचलर्स है और उसके आगे कुछ नहीं है। तो आपका एक्सपीरियंस भी है वो भी मेंशन ना करें तो बेहतर है, ठीक है। इंटर्नशिप वगैरह है तो आप वो बिल्कुल मेंशन कर लें, मगर जो है मास्टर्स एमफिल जो है वो नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने कहाँ से देखा, आपको वो चीज़ मेंशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने डन किया, डन किया, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें डिग्री जो है वो अपलोड नहीं की थी, वो हम आते हैं यहाँ पर अपनी डिग्री अपलोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम इसको अपनी डिग्री अपलोड करनी है ऊपर जाके, ठीक है। यहाँ हमने उसकी डिग्री, अच्छा ये उसकी फॉर्मेट है, किसी चीज़ के अंदर उसको रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हमने PDF फॉर्म में इसको रिक्वायर्ड नहीं किया, हमने रैंडमली कोई भी चीज़ उठा ली और इसको PDF दे दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे आऊँगा, नीचे आने के बाद इसको जो है आपका रिज्यूम, आपकी CV वो भी लाजमी मस्ट चाहिए होती है, ठीक है। इसके बगैर आपका ये सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको उसको रिज्यूम दे दिया, ठीक है। रिज्यूम जैसे देंगे उसके बाद आपका सबमिट डन करेंगे, हो जाएगा आपका सबमिट, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो इस तरह की मैं आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है। ये सर्वे, इसको आप छोड़ दें, जजाक अल्लाह।